आज हम लोग ऑर्गेनिक का जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है उसमें आज ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड जो होते हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक ही मॉलिकुलर फार्मूला से बहुत से कंपाउंड बन सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो होता है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिकुलर फार्मूला के बजाय। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक ही मॉलिकुलर फार्मूला जैसे कि ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, लेकिन इसी मॉलिकुलर फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन का भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक ही मॉलिकुलर फार्मूला से अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर फार्मूला इज मोर इम्पॉर्टेंट। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि तुमको C4H10 जैसे बोले तो चार कार्बन है और जैसे कि उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे कि तुम्हारा मान लेते हैं C2H6 है। तो एक स्ट्रक्चर फार्मूला देने का तरीका जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़े तो वह भी स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं C2H6 तो इधर कर दिए C हो गया, यहाँ पर C हो गया, इधर H हो गया, इधर H और इधर H। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का 4, 6 होता है एटॉमिक नंबर 2.4। 2 हो गया फर्स्ट सेल में, के सेल में उसका हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसमें क्या करते हैं इसके एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या कर गया यहाँ पर। और तुमको इसमें भी वही हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन इन लोगों का दोनों कार्बन का हो गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा तो इसका 8 पूरा हो गया। तुमको ऑक्टेट जिसको कहते हैं हम लोग तो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया इसका 8 इसका पूरा हो गया। तो ये तुमको क्या बनाया एक सिंगल बॉन्ड सब जगह बना लिया ये सिंगल बॉन्ड बनाया ये। सिंगल बॉन्ड बना लिया तो इस प्रकार से। और जैसे इसको डैश के रूप में जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं इसको देखो ये तुमको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां पर क्या करते हैं एक सिंगल बॉन्ड दे देते हैं इसको डैश फॉर्मूला इसको कहते हैं हम लोग। तो ये डैश के रूप में दे दिए तो ये बन गया तुमको ये इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और ये डैश फॉर्मूला हो गया तुम्हारा ये। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ये है तुमको डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इथेन का हो गया। इसी टाइप से ये क्या हो गया तुम्हारा इसका ये डैश रूप में सिंगल बॉन्ड को एक क्या दे दिए दो इलेक्ट्रॉन का जो सिंगल बॉन्ड बना उसको डैश के रूप में दे दिए तो इसको डैश फॉर्मूला ऑफ इथेन कह सकते हैं इसको। फॉर्मूला ऑफ इथेन। और इसी को जैसे क्या कर सकते हैं इसको जबकि हम लोग इथेन में जहां तक है इसका C2H6 है तो C2H6 के भी यही फॉर्मूला आएगा तुम्हारा। तो इसको हम लोग CH3CH3 और C2H6 भी लिख सकते हैं दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको जैसे कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं CH3CH3 इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3CH3 ये हो गया कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला मतलब कि
और इसको जब इसको अगर इस अकॉर्डिंग फैलाएंगे जिसमें कि कार्बन का हमेशा चार बॉन्ड हो जाए, तो इसको हम लोग फैला करके क्या बना सकते हैं, डैश फार्मूला बना सकते हैं कंडेंस फार्मूला से। जैसे कि तुमको कहा जाए कुछ क्वेश्चंस में कि इस कंडेंस फार्मूला हम लोग जैसे कि बनाते हैं ब्यूटीन का, ब्यूटीन का भी जैसा चर्चा कर रहे थे, तो ब्यूटीन का जैसे हो गया C4H10, ब्यूटीन का फार्मूला हो गया C4H10। तो इससे देखो तुमको क्या हो सकता है, एक कंपाउंड सी चार का सी हो गया, इस ढंग से चार सी हमने दिया। अब एच तुमको इसमें समय इसमें कितने है? इसमें कार्बन के तुमको चार बॉन्ड होने चाहिए, तो कार्बन का इसमें तीन, एक बॉन्ड बना हुआ है तो तीन हाइड्रोजन से बनेगा, तो ये हो गया तीन, ये तुम्हारा हो गया। फिर यहाँ पर कितना होगा तुमको, इसमें दो चार बॉन्ड आने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर क्या होगा तुम्हें, ये भी H हो गया, इधर भी H हो गया, और इसमें क्या होगा तुम्हारा तीन H हो जाएगा, ये हो गया तुम्हें ब्यूटीन, इसको कहते हैं ये क्या होगा तुम्हारा, ये ब्यूटीन हो गया C4H10, ये ब्यूटीन का हो गया, ये ब्यूटीन। इसी फार्मूला से हम लोग क्या बना सकते हैं, C4H10 से ही एक और कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे देखो इसमें ऐसा स्केलेटन होगा इसका, ये तीन सी हो गया, और एक जो सी होगा कभी भी ब्रांच जब भी होता है, ब्रांच जब चेन देते हैं तो आप कभी भी इंड से नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो मेन चेन में ही काउंट होते हैं, इंड चेन यहाँ पर से दे सकते हैं हम लोग। अब इसको देखो इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा, इसमें हाइड्रोजन आएगा तुमको तीन हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी इसमें तीन हाइड्रोजन और इसमें भी तीन हाइड्रोजन आएगा, इसमें तीन हाइड्रोजन, यहां भी तीन हाइड्रोजन आएगा तो, और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। इस तरह का कार्बन जिसमें कि देखो इसमें जैसे कि किस तरह कितने तरह के कार्बन हैं, इसमें कुछ कार्बन है तो इसका नाम होता है क्या चीज, आइसोब्यूटेन, इसको कहते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और ये जो तो इसको कंडेंस रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो देखो इसको कंडेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको इसका कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन कैसे लिखेंगे, तो कंडेंस फार्मूला इसका लिखते हैं CH3CH2CH2CH3, एक ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2 का होल 2 और CH3, ये कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन हो गया, कंडेंस कर दिया इसी को कंडेंस कर दिया गया, ये ब्यूटेन का हो गया, इसी का कंडेंस फॉर्मूला ब्यूटेन, कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन हो गया, ये कंडेंस फॉर्मूला ब्यूटेन। उसके बाद है तुमको ये जो तुम्हारा है इसको कंडेंस करके क्या लिखेंगे, देखो यहां पर है CH3 का तीन है तुमको, तो इसको लिखते हैं CH3 होल 3, इसको क्या लिखेंगे CH3 होल 3 और CH, तो इसको जब फैलाएगा तो ये तुम्हारा ये क्या रहेगा तुमको, ये भी आ जाएगा, ये आइसोब्यूटेन का हो गया, ये आइसोब्यूटेन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आइसोब्यूटेन को लिख सकते हैं ये, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कंडेंस फार्मूला लिखने का तरीका हुआ ये, कि ये होगा तुम्हारा। और जैसे कि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि तुमको हम लोग लिखें CH3 होल 4 C, ऐसा तुमको एक स्ट्रक्चर, ये तो कंडेंस फार्मूला तुम्हारा हो गया, और ये तुम्हारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे डैश बनाते हैं, सिंगल दो इलेक्ट्रॉन का है तो उसमें सिंगल बॉन्ड देंगे, चार इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर बनता है तो वहां पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कंडेंस फार्मूला में कैसे लिखते हैं ये देखो, कंडेंस फार्मूला में क्या करते हैं उसको तुमने पूरा फैलाने के बजाय, डैश फार्मूला देने के बजाय उसका CH3 लिख देते हैं, उसको चार बॉन्ड के आधार पर आप फैला लेते हैं। और यहां भी जैसे कि चार बॉन्ड, जैसे CH3 होल 3 CH है तो सी इसमें सी देंगे तो इस सी का चार बॉन्ड आना है तो चार एक हाइड्रोजन से आ जाएगा और बाकी तीन तरफ से CH3 आ जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा इसका फार्मूला आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला तुम्हारा ये हुआ। अब जैसे कि इसी तरह से दिया जा सकता है स्ट्रक्चर, जैसे कि अब डबल बॉन्ड का अगर देखें, अब जैसे C2H4 है तो C2H4 का क्या हो जाएगा उसमें, उसका देखेंगे तो उसमें हम लोग देखे थे तो उसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जहां पर दो डबल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइन दे देते हैं बीच में, तो अब है तुमको राइट करना है तुमको, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं
जैसे कि एक कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, उससे आप इसको कंपाउंड का आप नाम भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम या आईपीसी नेम। तो जैसे कि कम क्वेश्चन है तुमको, एक कंपाउंड हैज कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला CH3 whole 4 C, राइट इट्स कॉमन एंड आईपीएससी नेम। तो इसको पहले क्या करोगे, पहले इसका क्या करोगे, इसको पहले CH3 whole 3 whole 4 C है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको अरेंज करेंगे, इसको बनाएंगे इस ढंग से। ये कार्बन हो गया C, और इसके चार बॉन्ड होने चाहिए। तो इधर की तरफ भी हो जाएगा CH3, इधर क्या जाएगा तुमको CH3, तो इधर भी बॉन्ड बन गया एक CH3, और इधर हो गया एक CH3। इसके चारों तरफ दे देंगे, इसका चार देखो, तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, एक चार, सबका चार बॉन्ड आ जाना चाहिए। इस ढंग से अरेंज करेंगे कि चार चार बॉन्ड आ जाना चाहिए। तो ये तुमको एक इसका स्ट्रक्चर लग रहा है। इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेन का होगा, और पेंटेन में ये तुम्हारा है दो तरफ से ब्रांच है, तो इसको नियो पेंटेन कहते हैं। इसका नाम हो गया नियो पेंटेन, एक कॉमन नेम हो गया इसका, कॉमन नेम इसको कहते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉमन नेम इसको कहते हैं हम लोग। और जहां तक कि आईपीएससी नेम की बात है, तो आप इसमें मेन चेन ले लेंगे 1 2 3, जो क्लास 10 में भी इतना पढ़ा होगा तुम, और अभी से ऐसे पढ़ाएंगे भी आईपीएससी नेम थोड़ा देर में, मतलब इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम लोग आईपीएससी नेम भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो होगा तुम्हारा, ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसमें जो नाम आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 तीन, और ये जो दो पर क्या है तुमको, मिथाइल है, तो टू पर टू 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 डाइमेथिल, ऐसा हो जाएगा 1, एक छोर से नेम नंबरिंग करते हैं यहाँ लिखते हैं, इसका नाम नेम क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम 2 2 डाइमेथिल, और क्या होगा प्रोपेन, तीन कार्बन मेन चेन में गया तो उसको कहते हम लोग प्रोपेन, ये आईपीएससी नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया इसका, आईयूपीएसी नेम। तो ये तुम्हारा हो गया इसका, ये तुम्हारा हो गया जैसे इसका क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार से जैसे लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग बनाना चाहें तो ये तुमको, ये सब क्या हो गया तुम्हारा कंडेंस फार्मूला, और तुम्हारा क्या हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में डैश फार्मूला हो गया, कंडेंस फार्मूला हुआ। अब तुमको इसके बाद जो है तुम्हारा, जैसे कि होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक कहते हैं, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तुम्हारा इसके ढंग से तुमको क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को आप फैला सकते हैं, और बुक में क्वेश्चन वगैरह देखोगे बनाओगे, इस एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह के दिए हुए हैं, जो एग्जांपल उसको भी कंडेंस रूप में या उसको डैश रूप में ये सब लिख सकते हो तुम। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये भी तुम देख लो, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह देख लो। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक, ये जो तुमको सिंपल वे है तुमको किसी कंपाउंड को लिखने का, जिसमें कि कार्बन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन ईच कॉर्नर
रिप्रेजेंट द कार्बन एटम, इच कॉलम रिप्रेजेंट द कार्बन एटम एंड एंड हाइड्रोजन इज नॉट शोन, हाइड्रोजन इज नॉट शोन इन द फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन इतने हाइड्रोजन होते हैं उसमें कि उसके चार बॉन्ड आ जाएं। तो जैसे कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई है तो उसको बॉन्ड लाइन में शो करते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल से इस फार्मूला को समझिए, इसका डिफिनेशन को छोड़िए, आप देखिए ये चीज ऐसे है, ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है ये जिगजैग लाइन। इसमें जो है हमको क्या है, यहाँ पर एक ये हो गया कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है और यहाँ पर तीसरा कार्बन होगा। ये देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉर्नर आया वो एक कार्बन होगा, यहाँ पर फोर्थ हो गया और ये हो गया तुम्हें फिफ्थ हो गया। तो यहाँ पे फाइव कार्बन और हाइड्रोजन को इसमें नहीं शो करना, और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो उसको शो करेंगे। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा ये अपने आप सोच सकते हैं। इसको चार बॉन्ड बनना चाहिए, एक बॉन्ड इधर बना, तीन बॉन्ड और बनेगा, तो इसका क्या हो गया तुमको, तो ये चार बॉन्ड हो गया। इसमें क्या हो जाएगा तुमको, इसका इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो हो गया इधर, दो बॉन्ड बन गया चार बॉन्ड, इधर क्या हो गया दो इधर हो गया, तो इधर चार बॉन्ड इधर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब जगह चार बॉन्ड पूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग पेंटेन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पेंटेन, ये पेंटेन हो गया। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है जैसे कि अब मानते इसको देना है, तो यहां पर जो आ गया तुम्हें देखो यहां पर क्या हो गया, ये जो तुमको दिए ये क्या हो जाएगा बॉन्ड लाइन में, एक दो वन टू थ्री फोर, लेकिन इसका जो है इस एंड से नजदीक पड़ेगा ब्रांचिंग, तो इधर से वन लिखेंगे, वन टू थ्री और फोर, वन टू थ्री फोर, तो क्या हो गया तुम्हारा वन टू थ्री फोर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कितना पे, दो टू पे मेथिल हो गया, टू पे आ गया मेथिल, टू मेथिल और क्या हो गया तुमको ब्यूटेन हो गया, टू मेथिल ब्यूटेन ऐसा हो गया, टू मेथिल ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो दो नंबर पे ब्रांचिंग था, तो टू पर मेथिल हो गया, एक देखो ये तुम्हारा है तो यहाँ पे एक एक ही कार्बन गया, तो ये मेथिल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तुमको वन टू थ्री फोर हर कॉर्नर पे हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जैसे लिखते हैं, जैसे लिख देंगे हम लोग इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे बनाने का, CH2 और CH2, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हो जाएगा, ये तुमको एक ट्रेंगिल बन जाएगा इस ढंग से, ये क्या कहलाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये अब तुमको हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, तो CH2 यहाँ भी CH2 यहाँ पर CH2 साइक्लोब्यूटेन ये साइक्लोब्यूटेन हो गया साइक्लोप्रोपेन ये साइक्लोब्यूटेन। तो ये तुम्हारा हो गया इस प्रकार का जो कंपाउंड हो गया तुमको, जिसका कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं बॉन्ड लाइन के आधार पर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें देख सकते हो बॉन्ड लाइन में कभी भी कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट को आपको शो करना है तो उसका नाम आप लिख देंगे, कोई भी ग्रुप हो या एलिमेंट हो उसको लिखना है। जैसे कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ यहां देखो ये CL लिखा होता है, ये कार्बन अब नहीं, ये एक दो तीन, तीन कार्बन हुए, वन टू थ्री, तो थ्री हो गए और तुमको ये तीन कार्बन हो गए और यहाँ पे क्लोरीन दिखाया गया, तो ये क्लोरीन हो गया यहाँ पर इधर की तरफ, ये अब कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो गया टू क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये क्या हो गया टू क्लोरो, दो पे क्लोरो है और तीन कार्बन है, दैट इज प्रोपेन है ये, तो टू क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसका, कौन सा कंपाउंड है इसमें तीन कार्बन हुए और एक क्लोरीन यहाँ पे चला गया, क्लोरीन तो कहने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन हो क्लोरीन हो कोई भी NO2 हो कोई भी ग्रुप हो वो सारे को आप दिखाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट
हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन जहां पे है तो वो कार्बन को आप जहर एक कॉर्नर बता देगा, और हाइड्रोजन उसमें जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, यहां पे तीन हाइड्रोजन होंगे, यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे ये काउंट कर सकते हो, या तीन बॉन्ड बना, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन यहां पे है और यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन हाइड्रोजन होंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन को बिना दिखाए ही उसको लिख सकते हैं। तो ये साइक्लो कंपाउंड में भी लिखते हैं, जो क्लोज चेन में या आप ओपन चेन में भी लिख सकते हैं कंपाउंड को। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हमको, जैसे अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड देना होगा, जैसे कि मान लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में और कंपाउंड को देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, तो ये जो तुम्हारा इसको डबल अगर कर दिया आपने, तो ये डबल बॉन्ड को बताएगा, ये क्या चीज़ को बताएगा, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ से लेकर के ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया। तो ये फोर, तो ये जाहिर के फोर से डबल वन में क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो इसका है ब्यूट चार हो गया और डबल वन के ई लिखते हैं, तो ये हो गया ब्यूट वन इन, जो लोएस्ट नंबर पे देते हैं, इसमें लोएस्ट नंबर जहां पर है वन पे है लोएस्ट नंबर, यहाँ पर डबल बॉन्ड जिसके इसके बीच में था वन टू के बीच में है, तो वन टू के बीच में है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से जिधर जिस छोर से नंबरिंग उधर से वन टू लिखे, जिधर से कि डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, और इसमें क्या कर दिया कि इधर से नजदीक आया तो वन टू लिख दिया, वन और टू के बीच में रहता, यहाँ ब्यूट वन इन, वन को आप छोड़ भी सकते हैं जब, लेकिन टू थ्री के बीच में रहता तो इसको टू लिखना जरूरी रहता। और कैसे देखो आईपीसी में किस ढंग से डैश दिया जाता है, जब भी कभी भी डिजिट और अगर लेटर को सेपरेट करना हो तो डैश का यूज करेंगे, तो ब्यूट वन इन, तो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे ये हो गया। और अगर देखो जैसे कि डबल बॉन्ड है, अगर मान लेते हैं बीच में इसमें जैसे इस तरह से दे दिया ये तुमको, तो ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बता रहा। दूसरा इसमें है टेक्निक कि ये देखिए इतने दूर तक ट्रिपल बॉन्ड, तो एक यहाँ पर एक कार्बन रहा होगा, यहाँ पर दूसरा रहा होगा, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर ये चौथा कार्बन रहा होगा। देखिए ये लिखने का तरीका है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किसके बीच में आ रहा है, टू थ्री के बीच में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे ब्यूट टू आइन वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो जहां पर बीच में ही छोड़ दिए तो ये तुम्हारा एक ढंग से क्या हो गया, ये कोडिंग हो गया कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर एक कार्बन तो रहेगा ही, इधर भी एक कार्बन रहेगा, तो आप अपने से समझ सकते हैं इसको। अब जैसे कि तुमको है इसका, जैसे कोई कंपाउंड है जैसे कि इसका क्या नाम होगा, अगर कोई ये चाहे तो इसमें ये सी एल दे दिया, यहाँ पर बी आर दे दिया, तो अब देखो इसमें क्या है तुमको, इसमें जो है वन टू थ्री करेंगे तो जहाँ पर अल्फाबेटिकली देखते हैं कि ब्रोमो पहले आता है क्लोरो बाद में आता है, तो पहले इसको वन लिखेंगे, इसको टू नंबर और इसको थ्री नंबर। तो देखो ये ब्रोमीन के अलावा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, चूंकि तीन तरफ से बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर लेकिन दो हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन को लिखना नहीं है इसमें। और ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन वन पे ब्रोमो है, टू पे क्लोरो है, तो कभी भी क्या लिखते हैं, पहले ये दोनों को जो ब्रांचेज ब्रांच वाले हैं इसको पहले लिख देना होता है, प्रीफिक्स में लिखते हैं लोग, तो वन पे ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, ब्रोमो का बी पहले आता है, तब क्लोरो का सी एल सी आता है, अल्फाबेटिक टू क्लोरो साइक्लो प्रोपेन ऐसा नाम इसका होगा। तो ये प्रकार से क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखने के लिए सीख गया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कंपाउंड कैसे दिखाते हैं। और अगर इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि तुमको डबल बॉन्ड दिखाना हो और साइक्लिक कंपाउंड है, मान लेते हैं ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर दिखाना है, तो ये तुम्हारा वन टू के बीच में आ गया, तो साइक्लोब्यूट वन इन साइक्लोब्यूटीन हो गया, ये हो गया साइक्लोब्यूटीन। और जाहिर है कि वन टू के बीच में है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं उसका नंबर, तो ये हो जाएगा। तो आई होप कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को, और उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उसको स्ट्रक्चर में शो कर दिया जाता है। लेकिन कार्बन क्या हो गया, हर कॉर्नर एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है, और इंड स्टार्टिंग और इंड तो कार्बन होता ही है, और इसके अलावा हर जो कॉर्नर है वह एक कार्बन को बताता है, और उसमें हाइड्रोजन का नंबर उतना ही होता है जिससे कि उसके चार बॉन्ड फुलफिल हो जाए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है तुमको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बाद आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, इसके बाद है तुमको इसको जो रिप्रेजेंट करने का है कंपाउंड को, इसका जो क्वेश्चंस वगैरह तुम देख लोगे एनसीईआरटी बुक से भी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें उसको तुम देख लो। और उसके बाद तुमको एक हम लोग बताते हैं जिसमें कि हम लोग थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में क्या होगा
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि खास करके जो कि थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जो कि एसपी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एसपी हाइब्रिडाइज होता है, दैट इज लीनियर इन शेप। एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन जो डबल बॉन्ड में होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, उसका शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये दोनों जो कंपाउंड है ये प्लेन में हो जाते हैं, एक तो लाइन में ही है, दूसरा तो उनको sp2 क्या होगा, प्लेन में होगा। तो थ्री डायमेंशन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, तो उसके लिए वो थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल इन शेप। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये तुमको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज कॉमा डॉटेड लाइन। द वेज लाइन जो कि इस रूप में दिखते हैं हम लोग, एरो के रूप में ऐसे करके दिखाया जाता है, जो कि वेज लाइन थोड़ा सा डार्क करके दिखाते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग ये वेज लाइन। द वेज लाइन रिप्रेजेंट द ग्रुप और एटम कमिंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दी एंड डॉटेड लाइन तुमको जो कि इस ढंग से डॉट डॉट करके दे देते हैं हम लोग, डैश डैश करके दे देंगे, तो ये डॉटेड लाइन करते हैं, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दी एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर से जो दूर की ओर जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन है, तुम्हें जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन में मानते चार ग्रुप हैं तो दो ग्रुप होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, जिसको कि जैसे कार्बन का, जैसे तुमको अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखना हो, जैसे समझना हो, तो मान लेते हैं कि चार सिर्फ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे फैलते हैं। देखो ये जैसे कि एटम है, जैसे कि अभी हमारे पास ये चार पेन हैं, देखो ये जैसे कि ये तुम्हारा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को दिखाना चाहें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ऐसे हो गया तुम्हें, ये चार तुम्हारे जो पेन हो गए, ये तुम्हारा चार पेन है तुम्हारा, देखो ये जो तुम्हारा है ये इस ढंग से क्या हो गया, फैल गया। तो ये जो तुम्हारा ज्योमेट्री है ये तुमको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, तो ये जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें क्या होगा, दो जो बॉन्ड होंगे, जैसे कि अगर इन दोनों बॉन्ड को अगर इसको हम देखें, इसको अगर ये फैलाएं, तो ये जो तुम्हारा दो बॉन्ड अगर तुम्हारा ये इस ढंग से, ये दोनों बॉन्ड को अगर हम प्लेन में लेते हैं, तो ये बॉन्ड हमारी ओर आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी ओर आ रहा है, और ये जो तुम्हारा बॉन्ड है ये किसकी ओर जाता हुआ दिख रहा है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसको हम लोग वेज लाइन से दिखाएंगे,
और ये तुमको डॉटेड लाइन से दिखेगा, और ये दोनों जो तुम्हारा इन दोनों को एक प्लेन मिलेंगे तो ये तुमको क्या दिखेगा, ये दोनों सिंपल लाइन से दिखेगा। तो ये कार्बन और ये जो ग्रुप है तुम्हारा, मान लेते हैं कुछ भी जो भी ग्रुप होगा तुमको ये सिंपल लाइन से दिखाओगे, और ये जो तुमको जो होगा ये जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ये ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है जो इधर से हम देख रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर की ओर जो ग्रुप आ रहा है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, और इसको हम लोग दिखाएंगे ये जो कि डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एटम है Cl है, ये तुम्हारा क्या है Cl है, ये कार्बन हो गया, ये तुमको Cl है, चलो ये Cl दिखा दिए, और इधर की तरफ इसको मान लेते हैं, ये तुमको मान लेते हैं कि ये Br है, तो ये Br इसे दिखाए, ये तुमको सिंपल स्ट्रेट लाइन से दिखाए। अब ये जो तुम्हारा है जो हमारी तरफ आ रहा है ये मान लेते हैं CH3 है, तो ये जो तुम्हारा है इसको वेज लाइन से किसको शो करेंगे, इसको ये जो CH3 है इसको वेज लाइन से शो कर देंगे हम लोग, वेज लाइन से CH3 को शो कर देंगे CH3। और ये जो तुमको है डॉटेड लाइन से मान लेते हैं ये हाइड्रोजन होगा, जो कि हाइड्रोजन को अंदर की ओर जा रहा है, ये जो एटम होगा ये हाइड्रोजन है, तो ये वेज ये डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। तो ये समझ में आया होगा कि जो कंपाउंड की जो कि तुमको जैसे क्या बताएगी, ये जैसे ये तुम्हारा Cl था, ये तुम्हारा एक Br है, एक Cl है, इस तरह से क्या किया गया, ये स्ट्रक्चर रख दिया, ये दोनों सेम हो, और ये जो तुम्हारा अंदर की ओर जा रहा है ये तुमको डॉटेड शो करेंगे और ये जो वेज से शो करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन किसी कंपाउंड का कर सकते हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा एटम किधर की ओर अरेंज हो रहा है। और इसको जैसे कि अगर सिंपल में लिखेंगे जहां पर अरेंजमेंट नहीं शो करने की बात है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं, इस कंपाउंड को लिखते हैं तो सी के इधर Cl लिखते हैं, इधर Br लिखते हैं, एक तरफ CH3 है और एक तरफ H होता, तो ऐसे लिखते हैं। बट इसमें थ्री डायमेंशनल ये रिप्रेजेंट नहीं पता चलता है कि इस कंपाउंड का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो डैश फार्मूला या कंडेंस फार्मूला, उसमें ये पता नहीं चलता कौन एटम किधर की ओर जा रहा है, कौन एटम जबकि जो दो एटम को जो प्लेन मिलेंगे तो कौन सा एटम बाहर जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में जो कि स्टीरियो ज्योमेट्री जो कि उसका जो कह सकते हैं किस किधर कौन सिचुएटेड है वो पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसी कंपाउंड का जो कि sp2 3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में है उसको कर सकते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। बाकी sp2 और sp3 इन सबों की ज्योमेट्री प्लेनर होती है, तो प्लेनर इसमें तुमको थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये, तो ये तुमको थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन करना है इसको। और बाकी तुमको इसके बाद जब कि आइसोमेरिज वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें और इसको थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को किस प्रकार प्लेन में दिखाते हैं, इन सबों के बारे में प्रोजेक्शन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इसका जो भी क्वेश्चन है जो जितना तुमको दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में उसको सॉल्व कर लोगे। तो तुम्हारा ये जो दिया हुआ था ये जो टॉपिक था जितना तुमको इसमें क्या पता चल गया हम लोग को कि कंपाउंड हो गए, कंपाउंड के कौन कौन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज वगैरह हैं। इसमें एक पदार्थ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम, तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम यही हेडिंग देते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू ए कार्बन एटम to a carbon atom is called degree of the carbon atom। ये degree कहलाएगा। जैसे कि एक carbon से एक carbon से मान लेते हैं कि तुमको जैसे जितना number of जैसे कि या तो एक zero है तो भी एक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जैसे कि CH3 है और यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर एक कार्बन इससे जुटा और यहाँ पर तुमको CH2 हो गया, यहाँ पर CH है, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मान लेते हैं C है और ये तुमको इधर की तरफ CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो अब देखिए इसमें कितने तरह के कार्बन एटम हैं, ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन एटम से 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। जहां तक इस कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन है बीच में ये देखते हैं एक इधर की तरफ जुड़ा हुआ है, दो तरफ से हाइड्रोजन है, दो तरफ से कार्बन है,
तो ये जाहिर है कि 1 डिग्री के बजाय ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। और इसके बाद इस कार्बन एटम में देखें इसमें कितना है, इसमें देख रहे हैं एक तरफ इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4 डिग्री है, ये चारों तरफ से है, 1, 2, 3 इधर भी 4 हो गया, ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन। और ये जो तुम्हारा है ये कितना डिग्री है, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इधर की तरफ, तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी कार्बन कैसा है, ये भी देखते हो एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो ये भी 1 डिग्री है, और ये भी तुम्हारा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन कह, 1 डिग्री हाइड्रोजन कह सकते हैं। द हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 डिग्री कार्बन जुटेगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री से जुटेगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री में तो हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, जहां 4 डिग्री और चारों तरफ कार्बन ही है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री से जुटेगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा अटैच रहेगा, 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो बात रहा कि लेकिन 4 डिग्री से कोई, 4 डिग्री का मतलब होगा चारों तरफ कार्बन ही है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरह से एक सिंपल जो था तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 डिग्री कहते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन को इस ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में तुमको जैसे आता है कुछ कि हम लोग जैसे लिखते हैं कुछ जो देखते होगे कॉमन तुमको नेम के रूप में हम लोग देखते हैं कि जैसे कहते हैं नॉर्मल आइसो न्यू, इस सब के बारे में नाम सुना होगा, कुछ सेकेंडरी टर्सरी, इन सबों को जो ग्रुप होते हैं जो एल्केन से बनते हैं एल्किल ग्रुप, तो एल्केन और एल्किल ग्रुप उसके फिर कुछ नेमिंग हैं, तो इन सबों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कुछ IPC नेम भी देखेंगे और कुछ क्या देखेंगे, कुछ जो एल्किल ग्रुप हैं उसके नाम कैसे हम लोग लिखते हैं, एल्किल ग्रुप कहाँ से आता है, एल्केन से एल्किल ग्रुप बनता है, तो उसके IPC नेमिंग जो प्रॉपर वे में हैं, जो हमने कुछ नामिंग का नेम का इधर भी इसमें इस लेक्चर में भी हमने लिया, तो इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बीच का जो क्वेश्चन है NCERT बुक का जो बीच में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर लोगे, उसके बाद जो है हम लोग अब जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि IPC नोमेनक्लेचर से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT बुक में तुम देख लोगे, उसको सॉल्व कर लो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको जो भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो राइट ऐप के पर से आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी गाइडलाइन चाहिए तुम्हें, कोई भी पर्सनल हेल्प की भी जरूरत है, मेंटोर की आवश्यकता हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इस लेक्चर को सॉल्व कर रहे हैं।